नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 9.1 का प्रश्न 7 हम करने जा रहे हैं। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री हैं। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। बच्चों आइए सबसे पहले हम आकृति के माध्यम से इस प्रश्न को समझते हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसकी आकृति को समझने का प्रयास करते हैं। यह भूमि है। भूमि से एक तरफ यह 20 मीटर ऊंचा एक भवन है। ठीक है बच्चों, 20 मीटर ऊंचा कोई भवन, कोई बिल्डिंग, कुछ भी है। ठीक है, उसके बाद बच्चों इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार बच्चों जैसे मोबाइल के टावर होते हैं ना बड़े बड़े, वो किसी बिल्डिंग के ऊपर, जैसे शोरूमों के ऊपर या कोई भी, तो ऐसे ये इस भवन के ऊपर एक संचार मीनार है। तो हम इस प्रकार से इसको मान लेते हैं कि यह संचार मीनार है। ठीक है बच्चों, अब प्रश्न देखिए। भूमि के एक बिंदु से, यानी मान लीजिए भूमि का यह एक बिंदु है, इस बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर। देखिए इस बिंदु से यह मीनार है, इसका तल है ये, शिखर है ये, इन दोनों के उन्नयन कोण इस बिंदु से दिए गए हैं। तो एक तो ये हो गया उन्नयन कोण, यह हो गया तल का, जो कि है क्रमशः 45 और 60। पहले लिखा है तल, तो पहला है 45 डिग्री, वह तल का होगा। किसके तल का? मीनार के तल का उन्नयन कोण, ये वाला, ये है 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार से मीनार के तल और शिखर के, तो यह है मीनार का शिखर, इसका उन्नयन कोण भूमि के इसी बिंदु से, इस प्रकार से यह जो पूरा कोण होगा, यह पूरा कोण, यह है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इन बिंदुओं के पहले नाम लिख लेते हैं। इसका नाम लिख देते हैं ए, बी, सी, इस बिंदु का नाम लिख देते हैं डी। ठीक है बच्चों, अब इसमें बच्चों जो हमने करना है वह ये कि एक बार हमने लेना है पूरा त्रिभुज और एक बार लेना है छोटा त्रिभुज। ठीक है बच्चों, तो ये मैं अलग अलग बना रहा हूं। देखो ये मैंने छोटा त्रिभुज बनाया है डी बी सी, और यहां मैंने बड़ा त्रिभुज बनाया है ए बी सी। आप देख रहे हैं दोनों में बी सी, बी सी तो कॉमन है। ठीक है, जो डी बी सी है इसमें कोण है 45 डिग्री, और जो ए बी सी यह बड़े वाला त्रिभुज है इसमें कोण है 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, बच्चों मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं, आपने इस ट्रिक को हमेशा याद रखना है। ट्रिक ये है, जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए जिसमें यहां दो त्रिभुज बनते हो, एक छोटा एक बड़ा, ठीक है, उनमें दो अलग अलग कोण भी दिए होंगे आपको, 45 डिग्री 60 डिग्री या कुछ भी, 30 डिग्री 45 डिग्री या कुछ भी, तो बच्चों हमेशा आपने उत्तर सॉल्व करते वक्त सबसे पहले 45 डिग्री वाले त्रिभुज की बात करनी है। क्यों करनी है वो अभी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, आइए हम इसका उत्तर खोजने का प्रयास करें। मैंने कहा जिसमें 45 डिग्री हो सबसे पहले वह वाला त्रिभुज लो, तो त्रिभुज है डी बी सी इन ट्राइंगल डी बी सी। इसमें जो जो हमें दिया हुआ है वह भी हम लिख लेते हैं। देखिए यह इसकी 20 मीटर ऊंचाई दी हुई है डीबी की, तो यह है 20 मीटर। तो बच्चों जो हमें दिया हुआ है डीबी परपेंडिकुलर, बीसी है बेस, और बच्चों परपेंडिकुलर बटा बेस क्या होता है? टेन, टेन थीटा होता है ना, परपेंडिकुलर बटा बेस, टेन कितना, कितने डिग्री, यहां पे कोण दिया है 45 डिग्री, तो ये आ गया टेन 45 डिग्री बराबर परपेंडिकुलर बटा बेस। और इस त्रिभुज में देखिए, या इस त्रिभुज में भी देख सकते हैं, यही त्रिभुज हमने यहां बनाया, तो परपेंडिकुलर है डीबी
बेस है बीसी, तो ये आ गया डीबी बटा बीसी। अब बच्चों जब आप त्रिकोणमितीय अनुपात देखेंगे तो टेन 45 होता है 1, और डीबी हमें दिया हुआ है 20 मीटर बटा बीसी। बीसी हमें ज्ञात नहीं है, वो हमें पता करना है। ठीक है बच्चों, अब जो मैंने कहा था ना कि टेन 45 वाला पहले ले लो, उसका कारण यही था कि टेन 45 डिग्री वाला जो त्रिभुज है वो पहले ले लो। क्यों? क्योंकि 45 डिग्री जो है, टेन 45 होता है 1, ठीक है, और इससे क्या होगा, बीसी यहां इसके साथ भाग हो रहा, उधर जाके गुना हो जाएगा, बीसी गुना 1 हो जाएगा, बीसी बराबर 20 मीटर। तो याद रखना बच्चों, टेन वाला 45 डिग्री वाला जब भी त्रिभुज आएगा तो उसमें जो प्रपेंडिकुलर होगा वही बेस होगा, जितना प्रपेंडिकुलर होगा उतना ही बेस होगा। क्यों होगा? क्योंकि टेन 45 1 होता है, तो ये उधर जाके गुना हो जाएगा, तो ये हमारे पास बीसी भी 20 मीटर आ गया, यानी इसका बेस बीसी भी 20 मीटर आ गया। यही हम अपने मेन त्रिभुज में लिख सकते हैं, बीसी 20 मीटर, ये बीसी इधर भी 20 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम लेंगे, पहले हमने 45 डिग्री वाला त्रिभुज लिया था, अब हम लेंगे 60 डिग्री वाला त्रिभुज। ठीक है, और 60 डिग्री वाला त्रिभुज है ए बी सी इन ट्राइंगल ए बी सी, फिर से वही ए बी बटा बी सी टेन 60 डिग्री, यह होता है प्रपेंडिकुलर बटा बेस, और प्रपेंडिकुलर है ए बी बटा बेस है बीसी। अब बच्चों जो टेन 60 की वैल्यू होती है वह होती है √3, टेन 60 होता है √3 बराबर ए बी। बच्चों ध्यान से देखना इस फिगर में, ए बी किसके बराबर है, ए डी प्लस बी डी, है ना बच्चों। ए बी पूरा किसके बराबर होगा, ए डी प्लस बी डी के। ए डी को यदि मैं मान लेता हूं एच, तो H प्लस बी डी कितना है, 20 मीटर बटा बी सी। बच्चों बी सी कितना है, हमने अभी निकाला था, देखो बी सी अभी हमने निकाला था 20 मीटर, तो बी सी की जगह हम लिख देंगे 20 मीटर। ठीक है बच्चों, अब हम इसमें क्या करेंगे, यह 20 मीटर इस पूरी रकम के साथ भाग हो रहा है, जब ये उधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, 20 गुना √3 हो जाएगा, 20 √3 बराबर h प्लस 20। और यहां से बच्चों 20 √3, 20 इसके साथ प्लस हो रहा है h के साथ, जब ये बराबर से इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा बराबर h। 20 √3 माइनस 20, इसमें से 20 कॉमन ले लो, यहां से 20 कॉमन चला गया, बाकी रह गया √3 माइनस 20 में से 20 कॉमन चला गया, बाकी रह गया 1, क्योंकि 20 को 20 से भाग करके आ गया 1 बराबर आ गया h। अब ये h क्या है, AD की लंबाई, यानी AD क्या है, मीनार। तो इसका अर्थ ये है कि हमारे पास मीनार की ऊंचाई आ गई है एच के बराबर, जो कि है 20 गुना √3 माइनस 1 मीटर। कई बच्चे सोचेंगे कि रूट आ गया तो इसको परिमेयकरण क्यों नहीं किया, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चनों में हम रूट आता तो परिमेयकरण करते हैं, लेकिन बच्चों परिमेयकरण करते हैं यदि यह रूट हर में होता, बटे के नीचे होता, तब परिमेयकरण करते, यदि ऊपर रूट है तो इसका परिमेयकरण करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। तो इस प्रकार से हमारी जो मीनार की ऊंचाई आई है वह आई है 20 गुना √3 माइनस 1 मीटर। तो बच्चों आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न बहुत अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर बाकी प्रश्नों के वीडियोस देख सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ भी सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।